बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक और लेक्चर नंबर 33 में आज हम देखेंगे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होती है। इसको एब्रीविएशन है इसकी IAM। अच्छा जी, IAM इसका आप कह लें कि ये हम एक न्यू सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। और न्यू सेक्शन ये इतना बड़ा नहीं होगा, 2 या 3 लेक्चर्स होंगे इसके बारे में। तो देखते हैं जी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होती है। AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इज़ अ वेब सर्विस डेट हेल्प्स यू सिक्योरली कंट्रोल एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। यू यूज़ IAM टू कंट्रोल हु इज़ ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथोराइज्ड टू योर रिसोर्सेज। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया है AWS के ऊपर और उसके ऊपर मैं लॉगिन कर रहा होता हूँ। मैं लॉगिन किससे कर रहा होता हूँ? रूट यूज़र से। सबसे पहले जब आप अकाउंट साइन अप करते हैं तो आप ईमेल एड्रेस से जो है वो साइन अप करते हैं, ठीक है। तो वो जो आपका फर्स्ट अकाउंट होता है वो आपका क्या होता है? रूट यूज़र होता है, ठीक है जी। रूट यूज़र के पास आपके एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की तमाम परमिशंस होती हैं। आप कुछ भी रूट यूज़र जो है वो उसके ऊपर कर सकता है। उसके बाद आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं जी यार मैंने जो है ना एक हमारा जो क्लाउड का अकाउंट है उसके ऊपर मैंने एक हेल्प डेस्क के हमारे पास कुछ लोग हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ लोग हैं या HR मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं। आप क्या कहते हैं? एक हेल्प डेस्क का ग्रुप क्रिएट करते हैं, उसके अंदर 2-4 यूज़र ऐड करते हैं। आप कहते हैं कि यार एडमिनिस्ट्रेटर ने जितने भी EC2 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हुई हैं या VPC क्रिएट किए हुए हैं उनको जस्ट वो रीड ओनली देखता रहे या उनकी मॉनिटरिंग करता रहे, उनके ग्राफ्स वगैरह देखता रहे। तो आप क्या करते हैं? एक हेल्प डेस्क का ग्रुप क्रिएट करके उसमें 2-3 एम्प्लॉयज जो भी हैं उनको ऐड करके जस्ट रीड ओनली एक्सेस आप दे सकते हैं कि वो EC2 इंस्टांसिस को रीड ओनली कर सके, सिर्फ उनको देखता रहे वो ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे, उनके ग्राफ्स वगैरह मॉनिटर करता रहे। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है जी। रूट यूज़र के अलावा भी हम अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। When you first create an AWS account, you begin with a single sign-in identity that has complete access to all AWS services and resources in the account. This is called AWS account root user and is accessed by sign in with the email address and password that you use to create the account. ठीक है जी, वही बात मैंने जो आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट टाइम जब आप साइन इन करते हैं तो आप एक ईमेल एड्रेस से जो है वो साइन इन करते हैं और वो क्या होता है? हमारे पास रूट यूजर होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो AWS की सारी सर्विसेज जो है वो AWS की उनको एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। AWS की जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सबको जो है वो एक्सेस कर सकता है। ये रूट यूजर के पास अथॉरिटी होती है। AWS स्ट्रांगली रिकमेंड। अच्छा, इसके बाद अगर आप कोई यूजर क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक यूजर क्रिएट करता हूं काशिफ या फैसल जो भी है, फैसल एक यूजर मैं क्रिएट करता हूं और उसको मैं परमिशन देता हूं कि वो सिर्फ EC2 इंस्टांसिस को रीड कर सके, तो वो जब लॉगिन करेगा AWS मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर तो वो सिर्फ EC2 इंस्टांसिस को रीड ही कर सकता है। मींस कि वो कोई इंस्टांस क्रिएट नहीं कर सकता, कोई इंस्टांस डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। वो सिर्फ उनको जो चल रहे हैं उन्हीं को रीड कर सकता है। आप ये कर सकते हैं, अगर वो कहता है मैं S3 सर्विस पे ओपन करना चाहता हूँ, वो ओपन नहीं कर सकता, ओपन भी नहीं कर सकता। जब मैंने उसे रीड एक्सेस ही नहीं दी हुई तो वो कैसे ओपन करेगा? AWS strongly recommend that you do not use the root user for your everyday task, even the administrator ones. AWS आपको recommend करता है जी कि आप first जब account create करते हैं उसके बाद एक और account create करें जो कि आपका administrator account हो। आप उस administrator account से सारे अपने daily task जो है वो करें, ठीक है जी। तो उसके बाद देखते हैं IAM features। IAM gives you the following features: shared access to your account, you can grant other people permission to administer and use resources in your AWS account without having to share your password or access key. You can grant other people permission, ठीक है। आप जो आपने एक यूजर क्रिएट किया है, आप जो फॉर एग्जांपल आपने जो फर्स्ट अकाउंट क्रिएट किया AWS के ऊपर, आपने एक अकाउंट क्रिएट किया और मैंने उसके ऊपर एक अपना ईमेल एड्रेस दिया था, आप लोगों को याद हो अगर, वो मेरा क्या हो गया? रूट यूजर हो गया। अब मैं चाहता हूँ उसके ऊपर मैं किसी और यूजर्स को भी परमिशन दूँ। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं उस्मान एक यूजर है, उस्मान को परमिशन देना चाह रहा हूँ। आप बिल्कुल उस्मान का यूजर क्रिएट करें, उसके ऊपर परमिशन लगाएं, वट एवर, सारा डिटेल से हम देखेंगे किस तरह से इसको परमिशन वगैरह हम असाइन करते होते हैं। और वो ये नहीं होगा कि आपका जो रूट यूज़र है उसी का जो पासवर्ड है या उसी की एक्सेस कीज होंगी उससे आप लॉगिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। जो आप नया यूज़र क्रिएट करेंगे उसका एक अपना पासवर्ड होगा, वो अपने पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है। और इसके बाद है जी ग्रैनुलर परमिशंस, यू कैन ग्रांट डिफरेंट परमिशंस टू डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज,
ठीक है। AWS के ऊपर बहुत सारी सर्विसेज हैं हमारे पास, डिफरेंट सर्विस डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए डिफरेंट परमिशंस आप ग्रांट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि Amazon EC2 और S3 के ऊपर जो है मैं कुछ यूजर्स को एक्सेस देना चाहता हूँ, कुछ यूजर्स को डेटाबेसेस के ऊपर एक्सेस देना चाहता हूँ, कुछ यूजर्स को जो है वो मैं सिर्फ रीड ओनली एक्सेस देना चाहता हूँ S3 बकेट्स के ऊपर। हम डिटेल से पढ़ चुके हैं S3 बकेट्स के ऊपर आप परमिशन देना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और परमिशन टू एडमिनिस्टर जस्ट सम EC2 इंस्टांस, या आप कहते हैं यार मैं कुछ EC2 इंस्टांसेस के ऊपर परमिशन देना चाहता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल से हम देखेंगे किस तरह से ग्रैनुलर परमिशंस जो है वो हम असाइन करते हैं यूजर्स को और ग्रुप्स को। सिक्योर एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज फॉर एप्लीकेशन डेट रन ऑन Amazon EC2. You can use IAM features to securely provide credentials for applications that run on EC2 instances. These credentials provide permissions for your applications to access AWS resources. Example include S3 buckets and DynamoDB tables. अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि एक आपका रिसोर्स है फॉर एग्जांपल EC2 इंस्टांस, आप चाहते हैं कि EC2 इंस्टांस जो है वो आपके S3 बकेट को एक्सेस कर सके, तो ये भी पॉसिबल है, हम लोग कर सकते हैं, देखेंगे इसको भी। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यू कैन ऐड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू योर अकाउंट एंड टू इंडिविजुअल यूजर्स फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। आप लोगों को अच्छी तरह पता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है, वो भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने रूट यूजर के ऊपर भी कर सकते हैं और डिफरेंट फर्दर दूसरे यूजर्स के ऊपर भी कर सकते हैं। विद MFA यू और योर यूजर्स मस्ट प्रोवाइड नॉट ओनली अ पासवर्ड और एक्सेस की टू वर्क विद योर अकाउंट बट ऑल्सो कोड फ्रॉम अ स्पेशली कन्फिगर्ड डिवाइस। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में बेसिकली क्या होता है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूं। फॉर एग्जांपल, आपने गूगल ऑथेंटिकेटर का आप लोगों को पता होगा, या आप जीमेल पे आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करते हैं, उससे क्या होता है जी, आपने जब लॉगिन किया तो उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप उसमें एक मोबाइल डिवाइस, एक ट्रस्टेड डिवाइस जो है वो ऐड कर देते हैं कि जब भी मैं लॉगिन करूं मुझे उस डिवाइस के ऊपर भी एक मैसेज आए कि आप लॉगिन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, अगर करना चाहते हैं तो येस प्रेस करें, अदरवाइज नो। तो इससे क्या होगा, आपके फॉर एग्जांपल मैंने एक मोबाइल डिवाइस से अपनी पर्सनल डिवाइस वो ऐड की हुई है, मेरा ईमेल हैक हो गया है या मेरा ईमेल जो है वो पासवर्ड ईमेल पासवर्ड दोनों हैक हो गए हैं, किसी और यूजर के पास चले गए हैं, वो यूजर लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। क्यों? अगर मैंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल की हुई तो मेरे पास क्या आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा मेरे मोबाइल पे, जब तक मैं मोबाइल से भी यस नहीं करूंगा तब तक वो यूजर लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो आपकी सिक्योरिटी जो है वो इससे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है आपके अकाउंट की। आइडेंटिटी फेडरेशन, यू कैन अलाउ यूजर्स हु ऑलरेडी हैव पासवर्ड्स एल्सवेयर। फॉर एग्जाम्पल, इन योर कॉर्पोरेट नेटवर्क आप आइडेंटिटी फेडरेशन भी इनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने AWS के ऊपर IAM का जो फीचर है आप इसको यूज करते हुए आप कहते हैं जी मैं चाहता हूं कि मेरे जो एक्टिव डायरेक्टरी कॉर्पोरेट नेटवर्क में या Amazon के ऊपर ही जो एक्टिव डायरेक्टरी मैंने क्रिएट की हुई है उसके अंदर जो यूजर पड़े हुए हैं, ठीक है, वहां से जो भी यूजर्स हैं उन सबको मैं एक्सेस देना चाहता हूँ Amazon मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर, कि वो उनकी ऑथेंटिकेशन कहाँ से हो रही हो, एक्टिव डायरेक्टरी से हो रही हो, तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपने यूजर्स IAM में क्रिएट नहीं किए हुए, आप AD से करवाना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं उनकी ऑथेंटिकेशन। आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन फॉर एश्योरेंस, इफ यू यूज AWS CloudTrail यू रिसीव लॉग रिकॉर्ड्स दैट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट दोज हु मेड रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज इन योर अकाउंट। अच्छा, आप ये भी मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं उनके लॉग्स, देख सकते हैं आपने फॉर एग्जाम्पल 10 यूजर्स क्रिएट किए हुए हैं, कुछ यूजर्स फाइनेंस के हैं, कुछ हेल्प डेस्क के हैं, कुछ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के हैं, कुछ और IT के हैं, आप उन यूजर के रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं, कौन सा यूजर कब जो है वो लॉग इन कर रहा है, कब जो है वो लॉग ऑफ कर रहा है, आप ये सारी डिटेल जो है देख सकते हैं। फ्री टू यूज AWS Identity and Access Management is a feature of your AWS account offered at no additional charge. अच्छा जी, इसके अंदर आप जो भी यूजर्स ग्रुप्स क्रिएट परमिशंस क्रिएट करते हैं उसके कोई चार्जेस नहीं है, चार्जेस आपको सिर्फ AWS प्रोडक्ट्स के हैं। जब वो आपके यूजर्स AWS प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे होंगे तो उन प्रोडक्ट्स के अगर कोई चार्जेस हैं तो वही चार्जेस होते हैं, ना कि यूजर क्रिएट करने के आपको चार्जेस होते हैं। एक्सेसिंग IAM को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं,
AWS मैनेजमेंट कंसोल से एक्सेस कर सकते हैं। द कंसोल द ब्राउजर बेस्ड इंटरफेस टू मैनेज IAM एंड AWS रिसोर्सेज। अभी तक आपने देखा होगा मैं गूगल क्रोम जो मेरे पास ब्राउजर है मैं उस ब्राउजर से AWS मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस करता हूँ, वहाँ से भी हम IAM को एक्सेस कर सकते हैं। और सेकंड वे आपके पास क्या जी AWS कमांड लाइन टूल्स, कमांड लाइन से भी आप AWS मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक मुझे याद पड़ता है मैंने S3 को शायद आप लोगों को दिखाया भी था कि S3 बकेट्स के अंदर हमने जब एक रीजन से दूसरे रीजन में डाटा कॉपी किया था और हमने जो है वो AWS कमांड लाइन टूल से एक्सेस किया था AWS को। तो खैर दोबारा एक डिटेल लेक्चर होगा इसके बारे में। यू कैन यूज द AWS कमांड लाइन टूल्स टू इशू कमांड्स एट योर सिस्टम्स कमांड लाइन टू परफॉर्म IAM AWS टास्क। IAM के आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, AWS के डिफरेंट टास्क कर सकते हैं AWS कमांड लाइन टूल से। यूजिंग द कमांड लाइन कैन बी फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट देन द कंसोल, ऑब्वियसली ये ज्यादा कन्वीनियंट है जी। और द कमांड लाइन टूल्स आर ऑल्सो यूजफुल इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड स्क्रिप्ट दैट परफॉर्म AWS टास्क। कोई आप फर्दर स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं वो भी आप कमांड लाइन टूल के थ्रू कर सकते हैं। AWS provides two set of command line tools, the AWS command line interface and the AWS tools for Windows PowerShell. अब command line के अंदर भी दो तरह से आप कर सकते हैं access, एक तो Windows PowerShell के through और एक AWS CLI के through. Next है जी critical terms. कुछ हमारे पास terms हैं जी और सबसे पहले term आ जाती है user. यूज़र आपका कौन होता है? एंड यूज़र। एंड यूज़र्स मीन जो यूज़र आपके आप क्रिएट करते हैं इस मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस कर रहा होता है वो यूज़र कौन होता है? एंड यूज़र होता है। ये वो उस यूज़र की बात नहीं हो रही जो कि EC2 इंस्टांस में आप यूज़र क्रिएट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, वो यूज़र नहीं है। ये AWS मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस करने की बात हो रही है, उसको जो भी यूज़र एक्सेस करता है वो क्या यूज़र होता है? एंड यूज़र होता है। ग्रुप्स देखते हैं जी। चले मैं आपको, वैसे मेरा मूड लिया था कि मैं नेक्स्ट लैब एक लेक्चर में लैब रिकॉर्ड करवाऊँ, लेकिन आज के लेक्चर में मैं एक दो यूज़र आपको क्रिएट करके बता दूंगा। बाकी डिटेल से जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लैब को डिस्कस करेंगे। ग्रुप्स अ सेट ऑफ यूजर्स अंडर वन सेट ऑफ परमिशंस। आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर फिर आप परमिशंस जो है वो उस ग्रुप के ऊपर लगाएंगे और ग्रुप के अंडर जितने भी यूजर्स होंगे वो परमिशंस उन तमाम यूजर्स के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही होंगी। आप यूज़र के ऊपर सेपरेट परमिशंस अटैच करना चाहते हैं, असाइन करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आप ग्रुप्स के ऊपर करना चाहते हैं, आप ग्रुप्स के ऊपर भी कर सकते हैं। एक वक्त में एक यूजर एक ग्रुप के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी रोल्स। यू कैन क्रिएट रोल्स एंड कैन देन असाइन देम टू AWS रिसोर्सेज। आप रोल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यार आपका जो है ना, आप एक रोल क्रिएट करते हैं कि आपके जो EC2 इंस्टांसेस हैं वो आपके S3 बकेट्स को एक्सेस कर सकें, ये आपने एक रोल क्रिएट कर दिया। आप एक और रोल क्रिएट करते हैं, आप कहते हैं कि यार मेरे जो IAM की अथेंटिकेशन है, IAM यूज़र्स की अथेंटिकेशन वगैरह वो कहाँ से हो रही हो, मेरी जो AD है AD के अंदर जो यूज़र्स हैं वहाँ से अथेंटिकेशन हो रही हो, तो ये आप एक रोल क्रिएट कर सकते हैं। पॉलिसीज और डॉक्यूमेंट डेट डिफाइंस वन और मोर परमिशंस। अब वो परमिशंस वो आप कहाँ पे डिफाइन करते हैं जी? पॉलिसीज के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं आपकी जितने भी जो भी परमिशंस वगैरह होती हैं। IAM IAM इज यूनिवर्सल डज नॉट अप्लाई टू रीजन्स एट दिस टाइम। आपको अच्छा IAM मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम कोई भी सर्विस यूज करने से पहले ऊपर क्या करते हैं, रीजन सेलेक्ट करते हैं। तो IAM के लिए आपको रीजन सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है? IAM क्या ग्लोबल है आपके पास। द रूट अकाउंट इज सिंपली द अकाउंट क्रिएटेड व्हेन फर्स्ट सेटअप योर AWS अकाउंट, इट हैज कंप्लीट एडमिन एक्सेस। ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ रूट अकाउंट क्या होता है। न्यू यूजर्स हैव नो परमिशंस व्हेन फर्स्ट क्रिएटेड। जब आप एक न्यू यूजर क्रिएट करते हैं तो उसके पास कोई भी परमिशन नहीं होती जब तक आप उसको खुद से कोई परमिशन असाइन नहीं करते। न्यू यूजर्स आर असाइंड एक्सेस की ID एंड सीक्रेट एक्सेस कीज व्हेन फर्स्ट क्रिएटेड। जब आप अपना भी रूट यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम एक एक्सेस की ID और सीक्रेट एक्सेस कीज, ये दो IDs होती हैं, ये आपको असाइन की जाती हैं। ये आपने क्या करना होता है? अच्छा, जब आप न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं तब भी आपको ये एक्सेस की ID और सीक्रेट एक्सेस की IDs जो हैं वो असाइन होती हैं। न्यू यूज़र क्रिएट करते साथ ही जैसे ये IDs आपको शो होती हैं आप इन IDs को अपने पास सेव कर लें, क्योंकि सीक्रेट एक्सेस की जो है वो वन टाइम शो होती है। उसके बाद जब आप इसको चेंज कर देंगे अपनी स्क्रीन तो फिर आपकी सीक्रेट एक्सेस की क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। आपको दोबारा से एक्सेस की ID और सीक्रेट एक्सेस की IDs जनरेट करवानी पड़ेंगी। एक्सेस की ID और सीक्रेट एक्सेस की ये आपकी यूज कहाँ हो रही होती हैं? चले नीचे आई थिंक मैंने लिखा हुआ है, दे आर नॉट द सेम एज अ पासवर्ड एंड यू कैन नॉट यूज द एक्सेस की ID एंड सीक्रेट एक्सेस की टू लॉग इन इन टू द कंसोल।
अगर आपने कंसोल के अंदर लॉग इन करना है AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर, जिस तरह से मैं लॉग इन कर रहा होता हूं, उसके लिए आपको एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की जरूरत नहीं होती। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होता है। अगर आप कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल को, तो वहां पे आपको एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस कीज चाहिए होती हैं, ठीक है जी। वहां पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड काम नहीं करेगा अगर आप कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। यू कैन यूज दिस टू एक्सेस AWS वाया API एंड कमांड लाइन। API के थ्रू या कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो फिर आपको एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की एंटर करनी पड़ती है वहां पे। कैसे जनरेट करते हैं देखेंगे हम लेक्चर के अंदर डिटेल से फर्दर। You only get to view these once. If you lose them, you have to regenerate them, so save them in secure location. ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप यूज़र क्रिएट करते हैं तो आपको ये शो हो रही होती हैं, उसी टाइम शो होती हैं, उसके बाद अगर आप लूज़ कर देते हैं तो फिर ये आपको शो नहीं कर सकते। आप एक्सेस की आईडी आपको शो होती है, सीक्रेट एक्सेस की आपको शो नहीं हो रही होती। तो अगर ये आपके पास एक दफ़ा गुम हो जाए आपसे या डिलीट हो जाए तो फिर आपको रीजनरेट करवानी पड़ेगी उस यूज़र के अगेंस्ट। आप रीजनरेट करवा के दोबारा से कमांड लाइन के थ्रू AWS मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस कर सकते हैं। ऑलवेज सेटअप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन योर रूट अकाउंट। रूट अकाउंट के ऊपर जी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मस्ट सेटअप करें, AWS रिकमेंड करता है आपको। यू कैन क्रिएट एंड कस्टमाइज योर ओन पासवर्ड रोटेशन पॉलिसीज। आप पासवर्ड रोटेशन पॉलिसीज भी कस्टमाइज क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह कि अगर आप लोगों को पता हो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर AD के अंदर हम पॉलिसीज लगा देते हैं कि हमारा जो यूज़र हम जब क्रिएट करते हैं तो जब यूज़र फर्स्ट टाइम साइन इन करने की कोशिश करता है, लॉग इन करने की कोशिश करता है, तो उसे अपना पासवर्ड क्या करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है। AWS के अंदर भी आप IAM के अंदर भी आप कर सकते हैं। आप कहते हैं कि हर 15 दिन के बाद यूज़र जो है वो पासवर्ड चेंज करे, बिल्कुल आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जब यूज़र AWS मैनेजमेंट कंसोल के ऊपर जाएगा, लॉगिन करने की कोशिश करेगा, अगर 15 दिन गुजर गए तो 15 दिन के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड जो है अपना चेंज करना पड़ेगा अगर आपने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की हुई। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि यार उसमें लेटर्स वगैरह का आप क्रिएट करना चाहते हैं कि उसमें कुछ एक लेटर कैपिटल हो, न्यूमेरिक हो, तो आप इस तरह की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आफ्टर 90 डेज और 150 डेज या 1 ईयर के बाद ये यूज़र ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाए, ये सारी पॉलिसीज आप कर सकते हैं, तो इनको हम डिटेल से देखेंगे। तो चलते हैं जी, मैंने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे सर्विसेज, सर्विसेज में जाकर और यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है नीचे जी सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस। आप IAM पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका रीजन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ग्लोबल, यानी कि इसके लिए आपको कोई यूज़र कोई रीजन जो है वो सिलेक्ट नहीं करना होता। ये हमारे पास डैशबोर्ड है जी, ग्रुप्स, यूज़र्स, रोल, पॉलिसीज आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बाद में डिटेल से देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। डिलीट योर रूट एक्सेस कीज़, वो कहते हैं जब आप फर्स्ट टाइम यूज़र अकाउंट क्रिएट रूट अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, आपके जो रूट अकाउंट होगा, जो फर्स्ट टाइम आप अकाउंट क्रिएट करते हैं रूट अकाउंट कहलाता है, उसकी आप एक्सेस कीज़ क्या कर दें, डिलीट कर दें। क्योंकि अगर फिर जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा से रीजनरेट करवा लेंगे, क्योंकि अगर वो किसी के हाथ लग गई सिक्योरिटी कीज़, एक्सेस कीज़ और सीक्रेट एक्सेस कीज़, तो फिर आपका अकाउंट समझें आपका अकाउंट हैक हो गया। ये करने के बाद आप सबसे पहले काम क्या करें, फर्दर यूज़र्स क्रिएट करें। यूज़र्स क्रिएट करने के बाद आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बतानी थी, वो ये कि आपने फॉर एग्जाम्पल यूज़र्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, अभी मैं यूज़र्स क्रिएट नहीं कर रहा, नेक्स्ट सेक्शन में क्रिएट करूँगा। यूज़र्स क्रिएट करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यूज़र क्रिएट किया है उस्मान, उस्मान को कैसे पता चलेगा मैंने अमेज़ोन हमारा कौन सा अकाउंट है, किस AWS मैनेजमेंट कंसोल में जाना है। तो IAM जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें एक लिंक आ रहा है, ये लिंक के अंदर ये मेरा क्या लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। जब कोई भी यूज़र किसी को मैं बताऊंगा कि आपने कैसे लॉगिन करना है तो वो क्या उसको मैं क्या दूंगा, ये लिंक दूंगा, ये लिंक वो कॉपी करेगा, यहाँ से मैं कॉपी करके भेजूंगा, उसे ईमेल करूंगा, व्हाटएवर जो भी होगा वो अपने उसमें जाएगा। चलें करके देख लेते हैं, कंट्रोल सी, और ये देखें अब ये क्या करेगा, मुझे उसी स्क्रीन पे ले जाएगा जो कि मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में ले जाएगा, क्योंकि मैंने यूज़र कहाँ पे क्रिएट किया होगा, इस अकाउंट के अंदर क्रिएट किया होगा। ये देखें
अकाउंट आईडी, आईएम यूज़र नेम। अब जो भी मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ क्रिएट किया हुआ है वो मैं यहाँ इंटर करूँगा और मैं उसे क्या कर सकता हूँ, लॉगिन कर सकता हूँ। अगर आप रूट यूज़र से करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप ये देखें आप क्या कर सकते हैं, रूट यूज़र से लॉगिन कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, तो फर्दर डिटेल से इसको बाद में देखेंगे। लैब एक्चुअली थोड़ी सी लंबी है, इस वजह से मैं उसको सेपरेट लेक्चर में करना चाह रहा हूँ। बाकी इसको डिटेल से देखेंगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने कैसे इनेबल करनी है, आईएएम पॉलिसीज़ में क्या होती हैं कैसी होती हैं, मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं भैया। कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर टाइप करें।